सब्सक्राइब कीजिए टेक ट्यूबर्स यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्वालिटी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट प्रिंटर्स टू बाय अंडर 20,000 रुपीस बजट के लिए। 10,000 रुपए के बजट वाले प्रिंटर्स कौन कौन से हैं, उनमें से आपके लिए लेना कौन सा बेहतर है, इसकी वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। आप आई बटन पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखी है। आज हम बात करेंगे 20,000 के बजट में आने वाले सभी बेहतर प्रिंटर्स के बारे में। उसमें लेजर जेट प्रिंटर भी होंगे और इंक जेट प्रिंटर भी होंगे, तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रिंटर हमारी लिस्ट में आता है कैनन का पिक्समा G3000। ये वायरलेस प्रिंटर है, ऑल इन वन प्रिंटर है, इंक टैंक प्रिंटर है। इसमें इंक टैंक आपको साथ में लग के मिलता है। इसमें आप प्रिंट कॉपी स्कैन आराम से कर पाएंगे। इसमें आपको प्रिंटिंग स्पीड काफी अच्छी मिल जाती है, 8 से लेकर 9 पेजेस आप प्रिंट कर सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट पर मिनट। और कलर प्रिंटिंग की अगर हम बात करें तो 5 पेज आप प्रिंट कर सकते हैं। इसकी अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं कि कितना कॉस्ट पड़ती है प्रिंटिंग की, तो ब्लैक एंड व्हाइट जो प्रिंटिंग है दोस्तों वो आपको पड़ती है 9 पैसा पर पेज और 32 पैसा कलर प्रिंटिंग की कॉस्ट आती है। तो काफी अच्छा ये प्रिंटर है, स्टार्टिंग लेवल है, ये हमारी सीरीज का स्टार्टिंग लेवल है। तो उसमें पहला प्रिंटर आता है कैनन का पिक्समा G3000। अच्छी स्पीड चाहते हैं, डिसेंट सी अच्छी स्पीड हो, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है लेकिन बहुत कम से तो बेहतर ही है। 12,000 का प्रिंटर है, 12,499 का। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसको आप आराम से परचेज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंटर की तरफ। नेक्स्ट प्रिंटर हमारे लिस्ट में आता है ब्रदर की तरफ से लेजर जेट प्रिंटर। ब्रदर का प्रिंटर है L2520G नाम है इसका, मोनोक्रोम लेजर जेट प्रिंटर है। 20,000 के अंदर आपको लेजर जेट प्रिंटर में ब्लैक एंड व्हाइट ही मिलेंगे, इतना आप दिमाग में लेकर के चले। कलर प्रिंटिंग इसमें नहीं होती है, ये बेसिकली आपके ऑफिस पर्पस के लिए आता है। घर में भी अगर बहुत ज़्यादा यूजेज है आपका ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस का तो उसको आप आराम से परचेज कर सकते हैं। 12,800 रुपये की कीमत है, 30 पेज पर मिनट आप प्रिंट कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी बात है। इसकी सबसे मेन पॉइंट ही वही है कि 30 पेज आप निकाल सकते हैं 1 मिनट के अंदर। 2500 से 2600 पेज आप एक टोनर के थ्रू निकाल पाएंगे, उसके बाद आप उसको आपको उसे चेंज करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें वायरलेस प्रिंटिंग की तो उसका ऑप्शन इसमें नहीं है। इसमें आपको अगर हम पेपर साइजेस की बताएं तो इसमें आप A4, A3 और आपका लीगल साइज तक का सपोर्ट भी इसमें मिलता है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। 12,000 सिर्फ 800 रुपये में आपको ये ऑप्शन मिलता है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के ज़रूर से इसको चेकआउट करिए और अच्छा लगे तो आराम से परचेज कर सकते हैं बेझिझक। अगर कोई काम शुरू कर रहे हैं, शॉप है आपकी, ऑफिस बेस के लिए भी ढूंढ रहे हैं एंट्री लेवल का प्रिंटर, तो इसके साथ ज़रूर से जा सकते हैं। एक अच्छी स्पीड वाला प्रिंटर चाहिए कलर प्रिंटिंग के लिए, तो उसके लिए ये प्रिंटर बहुत अच्छा है। नाम है इसका HP का स्मार्ट टैंक 515। ऑल इन वन प्रिंटर है, इंक टैंक के साथ आता है, कलर बॉटल्स के थ्रू आप इसमें इंक भी डाल सकते हैं। मेन खूबी इसकी ये है कि इसकी प्रिंटिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है। इसमें आप 22 पेज प्रिंट कर सकते हैं ब्लैक एंड वाइट पर मिनट और 16 पेज आपके निकलते हैं इसमें कलर के, तो काफ़ी अच्छी बात इसकी मुझे यही लगी, प्रिंटिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है। और इसमें आपको एलेक्सा का सपोर्ट भी मिलता है, वॉइस असिस्टेंट आपको मिलता है, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है कि फ़ोन के थ्रू आप इसमें वायरलेस प्रिंटिंग भी कीजिए और वॉइस कमांड के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं अगर आपके घर में एलेक्सा है तो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसमें आप फोटो पेपर के थ्रू फोटो प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, अगर अपनी फोटो निकालनी है, बच्चों की निकालनी है तो फोटो पेपर का यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में फोटोज़ को घर बैठे ही निकाल सकते हैं। और कीमत की बात करें तो आपको 14,400 रुपीज़ में मिल जाता है, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के ज़रूर से चेकआउट करें, अच्छा लगे तो ज़रूर से इसकी तरफ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंटर जो हमारी लिस्ट में आता है वो है HP का लेजर जेट प्रो M126W नाम है इसका। आपको ये आसानी से मिल जाएगा बहुत सारी शॉप्स में, प्रिंटिंग की शॉप्स में, जो भी प्रिंटिंग का काम करते हैं। बहुत अच्छा ये प्रिंटर है, 20,000 के बजट के अंदर ये आता है, 16,400 रुपये के करीब इसकी कीमत पड़ती है और ये HP की तरफ से आता है। जो हमने पहले लेजर जेट लिया था वो ब्रदर का था, ये HP का है। इसमें आपको वायरलेस प्रिंटिंग मिलती है, A4 आपको मिल जाता है इसमें आराम से प्रिंटिंग के लिए, B4 भी मिल जाता है। इसमें लीगल साइज़ नहीं है, वो इसका एक कॉन बनता है। इसमें आप वायरलेस प्रिंटिंग कर सकते हैं, 8,000 पेजेस की ड्यूटी साइकिल भी है महीने की, आराम से पेज इतने आप प्रिंट कर सकते हैं। और प्रिंटिंग कॉस्ट की बात करें तो 2 रुपये इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट आती है, 20 पेज पर मिनट आप निकाल सकते हैं। एक डिस्प्ले पैनल आपको इसमें मिल जाता है, काफ़ी अच्छी फंक्शनिंग इसमें आपको मिलती है, मल्टी फंक्शन प्रिंटर है, प्रिंट कॉपी स्कैन कर सकते हैं,
क्वालिटी प्रिंटिंग है इस प्रिंटर की, काफ़ी भरोसा है लोग है इस HP के प्रिंटर पे, तो इसकी तरफ भी आप जा सकते हैं अगर अच्छी क्वालिटी प्रिंटिंग करना चाहते हैं, वायरलेस प्रिंटिंग करना चाहते हैं खास तौर पे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है। 16,400 रुपए की कीमत है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लास्ट प्रिंटर हमारी लिस्ट में जो आता है वो है HP का लेजर जेट नेवर स्टॉप, इसका नाम है और जो मॉडल है वो है 1200W। प्रिंट कॉपी स्कैन ये करता है, लेजर जेट ये प्रिंटर है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग अगर आप ढूंढ रहे हैं, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है प्रिंटर। 5000 पेजेस आप प्रिंट कर सकते हैं एक बार इसको रिफिल करने के बाद, जो इसकी रिफिल आता है टोनर उसको आप 15 सेकंड में रिफिल कर सकते हैं, जो इसकी मेन खूबी है। 5000 पेजेस आपके प्रिंट हो जाएंगे, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव ये प्रिंटर है अब तक की जो भी लिस्ट मैंने आपको बताई है। 20 पेज आप इसमें पर मिनट प्रिंट भी कर सकते हैं, सिर्फ 29 पैसे की कॉस्ट आती है पर प्रिंट पे, तो काफ़ी अच्छा ये प्रिंटर है, वायरलेस प्रिंटर है, इसमें आपको गूगल क्लाउड प्रिंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो काफ़ी बढ़िया रहने वाला है आपके लिए ये ऑप्शन 20,000 के अंदर। इसकी कीमत है 18,400 रुपये और थोड़ी फ्लक्चुएशन भी होती रहती है, तो बेस्ट प्राइस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर के इसको ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं और अच्छा लगने पर ज़रूर से परचेज भी कर सकते हैं। मेन फीचर जो मैं आपको बताने से रह गया वो है इसका ID कार्ड कॉपी का फीचर। ID कार्ड लगाइए स्कैनर पे और सिर्फ आपको एक बटन दबाना है, बोथ साइड प्रिंटिंग भी हो जाएगी ID की, जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस तो फ्रंट होता है, वोटर ID कार्ड हो गया उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, कोई भी ID आप प्रिंट करना चाहते हैं तो ID कार्ड प्रिंट का इसमें ऑप्शन मिलता है। 20,000 पेज की आपको इसमें ड्यूटी साइकिल भी मिलती है मंथली, तो काफ़ी बेहतर आपके लिए ये ऑप्शन रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, बहुत सिलेक्टिव प्रिंटर मैंने आपके लिए इस वीडियो में चूज़ करे हैं जो कि 20,000 के अंदर आते हैं। इसमें आपको कलर लेजर जेट प्रिंटिंग नहीं मिलती है 20,000 के अंदर, इसमें आपको मोनोक्रोम प्रिंटिंग मिलती है, ब्लैक एंड व्हाइट जिसको आप कह सकते हैं, तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं आपके लिए, आपके बजट के मुताबिक अपने बजट के मुताबिक आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी लिस्ट हमने आपको बताई है। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको जरूर से लाइक करें, चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो TechTubers YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें इसी तरह की क्वालिटी वीडियोस को और भी आने वाले वक्त में देखने के लिए। साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जब भी हम वीडियोस को अपलोड करते हैं। कभी कभार YouTube से नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है तो उसके लिए आपके लिए बेल आइकन अगर प्रेस रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में, इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक अगर अच्छा लगा है, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, हमारे साथ बने रहिए, हैव अ नाइस डे।